मैं डॉक्टर रविंद्र मडान गुरु आयुर्वेद से, आज का सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ बॉडी ऑफ माइंड, बॉडी एंड माइंड, आपके शरीर के अटल सत्य और आपके मन के, आपके दिमाग के अटल सत्य। जैसे आप यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में जानते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, ये अटल सत्य है। पानी कलरलेस है और गंध रहित है, ये भी अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ये एक अटल सत्य है। सूरज गर्म है, ये भी एक अटल सत्य है। अब बात करते हैं आपके बॉडी के अटल सत्य की। जो जन्म लेता है इस सृष्टि में, जो पैदा होता है वह मरता है, ये अटल सत्य है। ये शरीर स्थिर नहीं है, ये गतिमान है। जो पैदा हुआ है बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था होती है, ये एक अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति बालक का बालक नहीं रह सकता, युवा होकर के युवावस्था में ही नहीं रह सकता। प्रतिदिन एक एक सेकंड हमारे शरीर में बदलाव होता है और जीर्णता की तरफ जाता है। दूसरा है कि आपके हृदय की गति, आपकी मन की गति, आपकी लीवर के कार्य, आपके वक्रक यानी कि किडनी के कार्य, आपका रक्त परिवहन संस्थान, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इनको बढ़ाना चाहें तो बढ़ नहीं सकती, घटाना चाहें तो घट नहीं सकती, इसको प्रकृति कंट्रोल करती है। किसी कारण से, प्रकृति के कारण से इसमें अगर विकृति आती है तो आपकी गलती से। यह आपके कंट्रोल में नहीं है, जब विकृति हो जाए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट एक अलग चीज है। मरे हुए व्यक्ति के बाल स्वयं बढ़ते हैं, ये भी एक अटल सत्य है। हर चीज रुक जाती है मृत्यु के बाद, आपके बाल बढ़ते रहते हैं, ये एक अटल सत्य है। कोई प्रत्यक्ष देख सकता है, दो चार दिन की अगर डेड बॉडी पुरानी है तो उस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय उस व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मुसलमान हिंदू नहीं होता, कोई सिख ईसाई नहीं होता, एक पवित्र जाति होती है, उसको फिर नाम दे दिया जाता है। एक अटल सत्य यह है कि हर एक आदमी को शांति चाहिए, शांति प्रिय है, ये इसका स्वाभाविक रूप है। शांति मन का एक स्वाभाविक रूप है, आपकी बॉडी का एक स्वरूप है, आप अशांत नहीं रह सकते। एक रूल है कि जितने भी मल हैं, गंदगी है, तमस है, वो सब अधोगति होते हैं, ऊपर से नीचे आने वाले मल मूत्र शुक्र, ये नीचे को जाते हैं। ओज और शुक्र आपकी शक्ति, इसकी गति
ऊर्ध्वगामी है। अगर इसकी गति विपरीत हो जाए तो विपरीत दिशा में जीवन बर्बाद होना निश्चित है। अगर मलमूत्र ऊपर की तरफ को बढ़ने लगे तो शरीर की बर्बादी, जीवन की बर्बादी निश्चित है। अगर ओज और शक्ति का स्राव नीचे अधोगति हो जाए, नीचे की तरफ बहने लगे, तो आपका जीवन बर्बाद है। ये परम शब्द है। एक मन की शक्ति जो अटल सत्य है, मस्तिष्क की शक्ति अगर एकाग्र करके किसी भी कार्य में लगा दें, उसका शक्ति पुंज बना करके किसी स्थान पर लगा दें, तो कार्य होना निश्चित है, चाहे वो गलत है या ठीक है। अमृत वेला में जागृत शरीर व मन रहने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, ये भी एक अटल सत्य है। एक अटल सत्य और है जो आप सब जानते हैं कि कल तक कल क्या होगा मेरे साथ, ये आप खुद नहीं जानते। ये एक अटल सत्य है। अगर आप शरीर के साथ, मन और आत्मा के साथ जुड़ करके परमात्मा को याद करते हुए किसी कार्य को करते हैं, 100% आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद। नमस्कार।